रोहित हुए उमरान मलिक से नाराज, टीम से कर दिया बाहर, इन तीन को मिला रोहित से इनाम। श्रीलंका के बाद टीम इंडिया अब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेल रही है। ये तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला हैदराबाद में हो रहा है। इस मुकाबले में टॉस जीतकर टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन हर किसी को हैरानी तब हुई जब रोहित शर्मा ने इस मुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग 11 बताई, क्योंकि इस प्लेइंग 11 से उमरान मलिक बाहर थे। जी हाँ, वो उमरान मलिक जो टीम इंडिया के लिए पिछले कुछ समय में बड़ा धारदार प्रदर्शन कर रहे हैं, तेज रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ कई लोगों से बयान आ रहे हैं कि उमरान मलिक 161 किलोमीटर से ऊपर की भी गेंद फेंक सकते हैं, वहां दूसरी तरफ रोहित शर्मा ने उमरान मलिक को प्लेइंग 11 से ही बाहर कर दिया। उमरान मलिक को किया पहले वनडे से बाहर। उमरान मलिक पहले वनडे मैच में टीम इंडिया के लिए नहीं खेल रहे हैं। वो टीम का तो हिस्सा है, लेकिन प्लेइंग 11 में उन्हें जगह नहीं मिली। उमरान मलिक तेज रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। पिछले कुछ मैचों में उन्होंने जितनी भी गेंदबाजी की हो, उन्होंने भले ही रन लुटाए, लेकिन उन्होंने तेज रफ्तार से गेंदबाजी की और जमकर विकेट में निकाले। उमरान मलिक के साथ ये कहा जा सकता है कि वो रन लुटाते हैं, लेकिन उनके पास विकेट निकालने की काबिलियत भी है। ऐसे में वो एक बड़े ही घातक गेंदबाज बन जाते हैं, क्योंकि जिस दिन उनका दिन हुआ उस दिन वो अकेले ही दम पर टीम को मैच भी जिता सकते हैं। लेकिन पहले वनडे मैच में रोहित ने उमरान मलिक को टीम में जगह नहीं दी। शार्दुल ठाकुर को मिला प्लेइंग 11 में मौका। टीम इंडिया ने इस मुकाबले में शार्दुल ठाकुर को मौका दिया। शार्दुल ठाकुर श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया का हिस्सा नहीं थे। ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ जब उन्हें टीम में जगह मिली तो ज्यादा लोगों को उम्मीद नहीं थी कि शार्दुल ठाकुर को मौका दिया जाएगा, लेकिन उमरान मलिक की जगह शार्दुल ठाकुर को टीम में मौका दिया गया। इसके पीछे एक वजह यह हो सकती है कि एक तो शार्दुल ठाकुर अनुभवी गेंदबाज है और साथ ही उनके पास बीच ओवरों में विकेट निकालने की वैरायटी है, साथ ही वो निचले क्रम पर आकर बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। ऐसे में टीम इंडिया न्यूजीलैंड के घातक गेंदबाजों के खिलाफ अपनी बल्लेबाजी थोड़ी और करना चाहती है, जिसकी वजह से उन्होंने शार्दुल ठाकुर को प्लेइंग 11 में मौका दे दिया। सूर्या ईशान किशन को भी मिला इनाम। रोहित शर्मा ने जब पहले वनडे मैच की प्लेइंग 11 बताई तो उसमें ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव का नाम शामिल था। श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में सूर्य कुमार यादव खेले थे, लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वो खेलेंगे इसकी उम्मीद हर किसी को नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से श्रेयस अय्यर सीरीज से बाहर हो गए, उसके बाद सूर्या को नंबर 4 पर ऑटोमेटिक जगह मिल गई। वहीं दूसरी तरफ ईशान किशन को मिडिल ऑर्डर में मौका दिया गया है। ईशान किशन भारत के लिए नंबर 5 पर खेलते हुए नजर आएंगे। ईशान किशन केएल राहुल की जगह पर खेल रहे हैं। आपको बता दें कि केएल राहुल की इसी महीने शादी होने वाली है, जिसकी वजह से वो न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं है और ईशान किशन को मिडिल ऑर्डर में जगह मिली। अब देखना दिलचस्प होगा कि ईशान किशन नंबर 5 पर किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं और कैसी वो विकेट कीपिंग करते हुए नजर आते हैं। वहीं हार्दिक पांड्या भी टीम का हिस्सा वापस बन गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कीवी टीम को टीम इंडिया किस तरीके से मात देती है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या उमरान मलिक को टीम से बाहर करना सही फैसला था, उनकी जगह शार्दुल ठाकुर को मौका देना सही है? तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको लगता है कि नहीं, तो भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही क्रिकेट सूत्रा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।